मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। क्या आप आपकी मेड से परेशान हैं? क्या आपकी मेड टाइम पे नहीं आती या क्या आपकी मेड आपका अपना सारा काम का गुस्सा आपके बर्तनों पे निकालती है या क्या आपकी मेड बिना बोले ही छुट्टी ले लेती है? आपका काम का प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है कि आपका किचन का काम कौन करेगा। तो आज उसी का सलूशन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो मैं आज करने वाली हूँ रिव्यू डिशवॉशर का, बॉश के डिशवॉशर का, बर्तन धोने वाली मशीन का। जो ये मशीन जो है मैं 15 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, पिछले 15 दिनों से, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इससे। और मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको इसका मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, और पूरे फीचर्स और डेमो के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। और ये सबसे बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है मेरी, मैं तो बोलूँ, आपकी वाइफ को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो या आपकी मम्मी को आप गिफ्ट करना चाहते हो, काम से छुट्टी दिलाना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे गिफ्ट कर लो और वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी इससे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है इसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा बॉश का डिशवॉशर। इसका प्राइस आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा 38,000 का, लेकिन मुझे डिस्काउंट में मिला है 28,999 रुपीज़ में। तो डिपेंड करता है आप जब खरीदेंगे तो कितना डिस्काउंट रहेगा। तो अगर आपको ख़रीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। तो इसके साथ मुझे मिला है इनलेट और आउटलेट का पाइप, 15 एम्पियर का पावर पॉइंट लगेगा। अंदर का टब आपको बता देती हूँ, स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। ये देखिए स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है और 6 प्रोग्राम के साथ आता है, और इसमें चाइल्ड लॉक का ऑप्शन भी है। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा वेरियो इको हाफ लोड एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन। तो वेरियो इको जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बर्तनों को क्लीन और ड्राई करता है, और ये हाफ लोड का जो ऑप्शन है उसके कारण आप बिजली, पानी और समय की बचत कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ड्राई का जो ऑप्शन है आपकी ड्राइंग को और भी अच्छा कर देता है। बॉश के इस डिशवॉशर में आप अपने गंदे बर्तनों को बिना किसी परेशानी के धो सकते हैं, वॉश कर सकते हो। इसके कुछ फीचर्स भी आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। तो इसका सबसे पहला फीचर है ऑटो प्रोग्राम का। इसका जो ऑटो प्रोग्राम का फीचर है उसके कारण वो टेम्परेचर और रिंसिंग टाइम को एडजस्ट करता है ताकि सबसे अच्छी जो वॉशिंग की रिज़ल्ट आपको मिल सके। इसमें लोड सेंसर भी है जो अपने जो लोड को डिटेक्ट करता है, और परफेक्ट वॉश के लिए जितना पानी चाहिए वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। इसका इको साइलेंस ड्राइव का जो फीचर है वो इंश्योर करता है कि आपकी पावर कंजम्पशन कम से कम हो और आपकी क्लीनिंग एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि आपको हर वक्त अच्छा रिजल्ट मिलता रहे। ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे इंडियन यूटेंसिल वॉश करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेंसिव कढ़ाई का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के कारण ये ऑयली और मसालों के दाग को क्लीन करता है। इसके कारण कढ़ाई, स्टेनलेस स्टील, यूटेंसिल, ग्लासवेयर, प्रेशर कुकर सारे इंडियन बर्तनों को साफ कर देता है। इसकी एफर्टलेस क्लीनिंग का मैं क्या बताऊँ। इसमें आप अपने डिशवॉशर में अपने बर्तनों को बिना किसी प्री रिंसिंग के, बिना पानी डाले आप इसमें लोड कर सकते हो अपने बर्तनों को। इसकी जो हाइजीनिक वॉश है, इस डिशवॉशर में पानी का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसके कारण 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि डिशवॉशर है तो ज़्यादा पानी लेता होगा, ज़्यादा पानी वेस्ट होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिशवॉशर जो है वो 10 लीटर पानी में सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लेता है, जिससे आपके पानी की भी बचत होती है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इसमें 12 प्लेट की सेटिंग है, तो 2 से 3 मेंबर्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मशीन है। इसके रैक जो है वो रिमूवेबल है, देखिए पूरा इसे आप निकाल सकते हो, नीचे वाला भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें 2 रैक्स है, ये नीचे वाला है
और ये ऊपर वाला है। अगर आप इस ऊपर वाले रैक को पूरी तरह से निकाल लेंगे तो आप जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, टॉल टॉल जो बर्तन होते हैं, वो भी इसमें सेट कर सकते हो। नंबर ऑफ रैक्स जो आपको मिलेंगे वो दो मिलेंगे, ये वाला और एक नीचे वाला। इसका पावर कंजम्पशन जो है वो 1260 वॉट का है। इसके डायमेंशंस मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इसका विड्थ जो है वो 60 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 84.5 सेंटीमीटर, डेप्थ है वो 60 सेंटीमीटर, वेट है वो 46 केजी। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, हैवी नहीं है। इसकी वारंटी है 2 साल प्रोडक्ट के ऊपर और 10 साल मिलेगा रस्ट के ऊपर। तो इसके इनर टब में जो रस्ट रहेगा उसके ऊपर 10 साल का मिलेगा आपको। तो बहुत ही बढ़िया वारंटी के साथ ही आता है। तो सारे फीचर्स और प्राइस मैंने आपके साथ में इसके शेयर कर लिए हैं। तो आप चलेंगे डेमो की तरफ, तो डेमो करते हैं इसका। चलिए तो मैं अभी आपको इसका डेमो भी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका डोर ओपन कर दिया है। जैसे कि आप डोर ओपन कर दोगे, देखिए ये, तो यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डालना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फॉर्च्यून का डिटर्जेंट जो डिश वॉशर के लिए खास आता है। तो इसको ओपन कर देंगे यहाँ से और ये डिटर्जेंट इसके अंदर डाल देंगे। तो ये डिटर्जेंट मैंने यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, देखिए इस लाइन तक मैंने इस डिटर्जेंट को डाल दिया है। अब इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी हमें कुछ डालना है, तो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये है रिंजेड, ये भी फॉर्च्यून का है। तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी इस तरह से। और ये भी जब आपको दिखने लगेगा तो आपको रोक देना है इसको। तो मैंने इसमें रिंजेड को भी भर दिया है, तो इसको भी लॉक कर देंगे। और यहाँ पे हम अपने बर्तनों को सेट करेंगे। तो देखिए ये जो आपके इस तरह से प्लेट्स हैं, आपको इस तरह से बस रख देना है। देखिए मैंने इसको बिल्कुल रिंस नहीं किया है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही डाल रही हूँ। देखिए इसके साथ मुझे ये भी मिला है जिसमें आप आपके चम्मच छुरी वगैरह रख सकते हो और ये यहाँ पे प्लेस होता है। तो मैं ऐसे निकाल दे रही हूँ, निकाल भी सकते हो आप इसको। निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने भी चम्मच नहीं है जो मैं वॉश करूँ, तो मुझे ये नहीं लगने वाला है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये दूध का टोप वगैरह है, देखिए आप देख सकते हैं। तो इसे आपको इस ऐसे नहीं रखना है, इसको आपको ऐसे रखना है, नीचे मुंह करके, नीचे फेस करके, देखिए इस तरह से। देखिए नीचे का सेक्शन मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब हम अरेंज करेंगे ऊपर वाला सेक्शन। देखिए कांच का, कांच के जो भी बर्तन हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसमें ध्यान रहे कि प्लास्टिक और एल्युमिनियम आपको यूज़ नहीं करना है इसमें। चम्मच के लिए यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, इसे नहीं चाहिए तो आप फोल्ड करके रख सकते हो। और ग्लास को अटकाने के लिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है। देखिए इस तरह से मैंने इसका अपर पोर्शन भी अच्छे से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो उस तरफ, देखिए उस तरफ, वहाँ पे आपको नमक डालना होता है। अगर आपका आपके यहाँ पे पानी हार्ड वाटर आता है तो वहाँ पे आपको नमक डालना होता है। और ये जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम है, आपको इसे एवरी वीक क्लीन करना होगा। तो ध्यान रहे एवरी वीक आप इसे क्लीन करते रहें। तो बस अब हम इसे बंद कर देंगे। अब मैंने स्विच ऑन कर दिया है, टैप भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ से हम यहाँ से अब हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे। देखिए मशीन स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे कुछ मोड्स हैं, इंटेंसिव कढ़ाई मोड, एक्सप्रेस स्पार्कल मोड, ऑटो मोड, इको मोड, क्विक मोड, प्री रिंस मोड। तो देखिए इंटेंसिव कढ़ाई में अगर आप चूज़ करोगे तो ये 1.5 घंटा लेता है, 1 आवर 30 मिनट्स। अगर एक्सप्रेस स्पार्कल मोड अगर आप यूज़ करोगे तो ये लेता है 59 मिनट्स और ये 65 डिग्री सेल्सियस में आपके बर्तनों को धोता है।
अगर आप यहाँ पे ऑटो मोड सिलेक्ट करते हो, ये लेता है 1 आवर 20 मिनट्स। ईको मोड अगर आप सिलेक्ट करते हो, ये लेगा 1 घंटा 26 मिनट, 1 आवर 26 मिनट्स। क्विक मोड में अगर आप बर्तनों को धोते हो तो वो लेगा 29 मिनट्स। तो जनरली मैं रोज़ जब मैं धोती हूँ बर्तनों को तो ये क्विक मोड में ही यूज़ करती हूँ, तो ये आधे घंटे में सारे बर्तन साफ़ होके निकल जाते हैं। बस क्विक मोड में यही डिफरेंस होता है, आपके बर्तन सूखते नहीं है, ड्राई नहीं होते, बाकी सभी में आपको ड्राई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्विक के साथ में ड्राई भी करना है तो आप क्विक सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा ड्राई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, ड्राई करेंगे तो आपका क्विक मोड के साथ ड्राई भी हो जाएगा और ये लेगा 44 मिनट्स। और यहाँ पे प्री रिंस अगर आप करते हो, देखिए 15 मिनट में आपका प्री रिंस करके होता है। प्री रिंस का मतलब बता देती हूँ आपको, अगर बहुत दिनों से आपके बर्तन ऐसे रखे हुए हैं तो उस पर धूल बैठ जाती है, तो धूल निकालने के लिए सिर्फ आपको प्री रिंस, आप जो ये मोड है आप यूज़ कर सकते हो, तो अच्छे से आपके बर्तनों को साफ़ कर देगा। तो बस ये 15 मिनट लेता है प्री रिंस मोड, और रोज़ मैं यूज़ करती हूँ क्विक मोड, आधे घंटे में सारे बर्तन धुल के साफ हो जाते हैं मेरे। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा डेमो करूँगी मैं, तो मैं क्विक मोड सिलेक्ट कर रही हूँ और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ड्राई मोड सिलेक्ट कर देते हैं साथ में। देखिए 44 मिनट्स ले रहा है अब करें, और यहाँ पे जो बताता है चेक वाटर, अगर आपका पानी नहीं आता है तो ये चेक वाटर यहाँ पे रेड इंडिकेट करता है, रिफिल सॉल्ट यहाँ पे जो रेड इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो पानी सॉफ्ट वाटर आता है तो मुझे सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नहीं है तो आप सॉल्ट डाल सकते हो उसमें, जहाँ पे मैंने पहले बताया आपको। और रिफिल रिंजेट, तो रिंजेट तो हमने फिल कर दिया अभी, तो ये अगर आपका नहीं रहेगा रिंजेट तो यहाँ पे भी रेड ब्लिंक करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मशीन को। और ये मशीन धोते वक्त बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती, एकदम साइलेंसली अपना काम ख़त्म कर देती है। तो जैसे कि इस मशीन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि बर्तन जो है वो कैसे धुल के निकले हैं। इसके हर एक मोड को मैं आपको अगले अगले अगली बार जब वीडियो बनाऊंगी तो और भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी डिटेल में। ये बस मैंने एक शॉर्ट डेमो दिया था आपको फीचर्स के साथ में, तो इसके प्लेट्स के अरेंजमेंट वगैरह सब मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।